शक्ति होती है जीवनी शक्ति, वो सफाई को बनाने में ही लग जाती है। तो इस वजह से वो बार बार बुखार फिर से आ जाता था, कभी आ गया कभी चला गया, तो शरीर काफ़ी उन दिनों पतला हो गया। जो भी तो बाद में यही पता चला कि ये जो पतला हुआ है बुखार की वजह से नहीं, ये जो पुराना चीज़ थी, पुरानी जो एडिपोज टिश्यूज के नीचे पुरानी चीज़ रखी हुई थी शरीर के फ्लैश के रूप में, वो सारा कुछ हटाया गया है। इससे घबराने की बात तो नहीं है। स्वामी जी फिर जब आ गए तो बहुत ही खुश भी हुए कि थोड़ी सी बात को भी पकड़ कर ये राह पर चली है, तो इसको तो मास्टर किया जा सकता है। उनको ये दूरदर्शिता से समझ में आया, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। हाँ, तो फिर हमारा उनसे मिलना जुलना या वार्तालाप फिर शुरू हो गया, और उनके साथ रेगुलर आना जाना, लेक्चर्स में आना जाना, मीटिंग में आना जाना, जहाँ भी मेरी क्लासेस भी वो अलग से लेने लगे और इस ज्ञान की गहराई को बताने लगे कि सिद्धांत इसमें प्रमुख है। इसके प्रिंसिपल को समझो, जीने की कला में कुछ सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, संयम, वो चीज़ जब उन्होंने बताया तो वो धीरे धीरे करके गुरु कृपा से जीवन में उतरने लगा, और घर में सभी लोगों के ऊपर ये असर आया, पूरी घर का माहौल ही बदल गया। बहुत कोऑपरेशन मिला, बच्चों का, अपने हस्बैंड का, मेरे फादर इन लॉ उनका भी, मेरे खुद के फादर आए, उन्होंने भी स्वामी जी की ब्लेसिंग ली और उनके बताए रास्तों को अपनाया। तो इस तरह से ये एक हमारी जर्नी रही, और आज तक, आज दिन तक भी उनके बताए रास्तों पर चलकर। तो ये टाइम कौन सा टाइम था, मतलब कितने टाइम तक आप उनके साथ रहे और कितना उस समय कौन सा था डेट? ये 97 में हम उनको मिले हैं। अब एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन 97 में हम उनको मिले, और 2006 तक, जब तक कि उनकी, उन्होंने अंतिम जर्नी, अंतिम श्वास जब हम मिले, तो हमारी भी दृढ़ता और निश्चय बुद्धि ऐसा बैठा कि हम उनके साथ, क्योंकि घर के भी पास में रहते थे और उनके साथ भी हमको साथ पूरा मिला सुबह से शाम तक। जब भी वो बुलाते थे, या कहीं लेक्चर्स में जाना होता था, कोई राइटअप करना होता था, या कोई पेशेंट आ जाता था, फिर वो कहीं और भी बैठते थे, तो वहाँ भी सैटरडे संडे बने और असिस्टेंट का भी काम किया। हाँ, एक तरीके से पूरे दाहिना हाथ ही बने, जैसा कि लगता था कि दाहिने हाथ के रूप में एनी टाइम, किसी भी टाइम वो बुलाते थे, फोन करते थे, चाहे रात के 8 बजे हों, चाहे सवेरे के 6 भी बजे हों, तो हम उनके पास किसी न किसी तरह, मुझे प्रकृति भी माहौल देती थी, और हम जाकर वहाँ पर जो उनके सहयोग दे सकते थे वो हमें, हमारे साथ में बैठकर काम करते थे, लेक्चर का काम हो, चाहे राइटअप का काम हो, बहुत सारे मैगजीन्स में लिखने पड़ते थे लेख, वो सब भी हमारे भी, हमारे द्वारा भी, गुरु ने हमें बहुत संवारा और हमारे अंदर की प्रतिभा को उन्होंने पढ़ा और उसको उभारा, नहीं तो ये तो उनकी ही कृपा है। तो ये फरीदाबाद में जो आपके मतलब पड़ोसी मतलब उनका, हाँ, जहाँ हम रहते हैं फरीदाबाद की रोज गार्डन में, वहीं पर भी एक लकड़पुर है, उस जगह पर ही मंदिर भी था, और उसी मंदिर में, क्योंकि उनके घर में गुरुकुल चलता था, तो मंदिर भी था और उसी में उनका बड़ा सा मकान था, उसी में वो रहते भी थे, उसी में पेशेंट भी आते थे, जिनको वो देखते थे, और उसी में हमारी पढ़ाई लिखाई भी होती थी। और आपकी जो बचपन की जो चाहती प्रकृति, देखिए गुरु ने खुद ही आपको ढूंढ लिया और ऐसा बनाया, नीति ऐसी बनी कि बिल्कुल पड़ोस में रह गए और साथ में इतना कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। तो फिर ये पड़ाव जब से शुरू हुआ, हमें अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली आज तक भी समझती हूँ, हमारा तो जीवन ही बिल्कुल पलट गया। हालांकि इसमें चाहना तो थी, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं था, और ये ज्ञान छोट, बहुत सारे चैलेंजेस तो इतने आए कि घर वाले भी आ गए और हमारी कॉलोनी वालों ने भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जब बॉडी केमिस्ट्री आपकी बदलती है, पूरा खून बदलता है, सब कुछ, आप नेचर के हिसाब से चलने लगते हो, सोच विचार बदलती है, तो परिवर्तन तो दिखता ही है। तो लोग भी रोक रोक कर भी पूछते थे, आपको क्या हो गया है, आपको क्या हो गया है, और इस तरीके की बातें आई। लेकिन अगर आपका लक्ष्य में दृढ़ता हो, तो मैंने सिर्फ सीधे देखा कि बस गुरु मिले हैं, एक अच्छी विद्या मिल रही है, और इसी विश्वास के साथ पूरी लाइफ समर्पित ही कर दी, और बहुत ही अच्छा रहा, सभी उसमें समर्पित ही हो गए, सबकी जीवन शैली, घर की भी बदली, बाहर के लोग तो कहते हैं। क्योंकि आमतौर पे ना प्रकृति चिकित्सा को लोग समझते हैं कि इसको करने में बहुत कठिनाई है, और करने के बाद बहुत सी हमें शारीरिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, मतलब खूब शरीर पतला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब हालत फीलिंग क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो डर जाते हैं और फिर उसको सोचते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और वो ये माइंड सेट इस तरह का बना हुआ है ना कि अगर बीमार हो तो ट्रीटमेंट लो और थोड़ा ठीक हो जाओ, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके रास्ते से इंसान स्वस्थ होता है। तो यही बात समझने की लोगों को, जैसे कि आपने अपने संस्कारों की बात है,
आदतों की बात है, जिन आदतों पर हम चलते हैं वही हमको सरल और सहज लगते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और उनमें जब चैलेंजेस आती हैं या चेंजेस लाना होता है तो उसमें तो फिर थोड़ा सा कठिनाई आती है, घर से, बाहर से, समाज से, हर तरफ से आती है। और उससे भी बड़ी कठिनाई अपने ही दिमाग से आती है, क्योंकि अगर हमने अपना लक्ष्य साध लिया है, हाँ, खुद भी उसको पूर्ण रूप से हम उसमें दुलमिल होते रहते हैं, जैसे वो घड़ी का पेंडुलम की तरह हिलते रहते तो हैं। तो अभी कोई अगर करना चाहता, हर इंसान इतना लकी भी नहीं होता, भाग्यवान भी नहीं होता कि गुरु के ज्ञान को एकदम नजदीक से सीख ले, और अगर कोई उसको उस ज्ञान को लेने के लिए अधिकारी भी नहीं रहता है। जैसे कुछ किसी को गुरु ने कहा कि हाँ ये कर लो तो उसने विश्वास कर लिया, लेकिन अभी कितने हजारों लोग ऐसे होंगे जिनको ये विद्या बताई जाए तो पहले डरेंगे, अविश्वास जगाएंगे, डाउट में होंगे, करेंगे फिर छोड़ेंगे, तो ये कैसे उन तक पहुँचाया जा सकता है? ये उन तक पहुँचाना तो हमारा काम, जितना आपका अच्छा अनुभव गहराई का होगा और जितनी आपकी शुभ भावना शुभकामना होगी उतनी ही, क्योंकि ज्ञान कोई किसी को देता नहीं है, ज्ञान तो अंतर ज्योति से मिलता है ना, तो उनके अनुभव में उतरेगा। ये आपका अपना पुरुषार्थ है, आपके अपने अनुभव की बात है, आप किस रूप में उनके साथ मिल रहे हैं, क्या ये देख के मिल रहे हैं अरे ये तो कर ही नहीं सकते हैं, इनको तो बड़ी मुश्किलें आएंगी, ये सब नेगेटिव नहीं, सिर्फ इतनी ही करना और उनके प्रति श्रद्धा भाव हो कि ये भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट, हम कर सकते हैं तो ये भी तो हमारे भाई बहन है, क्यों नहीं कर सकते हैं। जितनी आपकी सहज और शुभ भावना होगी उतना ही ये कार्य आगे की ओर बढ़ता रहेगा। मैं तो कभी ये नहीं सोचती हूँ कि दो लोग हैं, चार लोग हैं, ये करेंगे कि नहीं करेंगे। जब हम गुरु कृपा से जब हम बैठते हैं तो मुझे ये भी नहीं याद रहता है कि किस टॉपिक पर क्या बोलना है। अब इतना बड़ा विशाल तो बस ये गुरु कृपा है, अगर आपने गुरु के बताए मार्ग को वाकई दिल से हृदयंगम किया है तो वो आपको मदद वही करेंगे, आप तो सिर्फ निमित्त हैं। बिल्कुल, डिवाइन नॉलेज, बहुत ही सही बात बोली आपने। और आजकल का जो एक सामाजिक अवधारणा बनी हुई है कि हम योग से ठीक हो सकते हैं, आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, एलोपैथी से ठीक हो सकते हैं, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या सोचना है, क्या अगर कोई सिकनेस को अभी सफर कर रहा है किसी तरह से, तो क्या ये रास्ता उसके लिए कितना मददगार हो सकता है? यही रास्ता उसके लिए मददगार हो सकता है। असल बात क्या है कि लोगों को योग सरल लगता है, दवाई करना सरल लगता है और तौर तरीके, लेकिन अपनी की जीवन शैली को जो जिस राह पर चल रहे हैं, अब चाय छोड़ना है वो उनको सहज नहीं लगेगा, पर योगा करना है तो फिर क्या योगा कर लेंगे। हम ये नहीं कहते कि योगा बुरा है, क्योंकि श्वास वायु का जाना आना देखना अगर सही ढंग से योगा प्राणायाम भी किए जाएँ तो वो भी बहुत मददगार बनते हैं, लेकिन टोटल अप्रोच चाहिए, केवल योगा से काम नहीं चलेगा। अब कोई बीमारी इतनी जटिल है, अब आपके पास उतनी मान लीजिए नहीं है क्षमता, तो ठीक है इन द मीन वाइल या फॉर टाइम बीइंग थोड़ी बहुत मान लो आपको बाहर से सहायता, कुछ आयुर्वेद की, कुछ होम्योपैथी की, किसी तरीके से लेनी पड़ जाती है ना, तो ले सकते, लेकिन दिल में ये नहीं बैठाना कि ये हमें ठीक करेगा। हाँ, वो अगर आपको ठीक करेगा तो आप उन उस बीमारी के कारणों तक नहीं पहुँचेंगे, हमेशा आप कुछ ना कुछ रूप से बीमार रहेंगे, क्योंकि दुनिया भर की कोई भी दवाई चाहे जैसी भी हो वो किसी भी रोग के कारण की तह तक नहीं पहुंच सकती है, तह तक तो आपको ही पहुंचना पड़ेगा, है ना जी। तो और कुछ आप आगे अपना क्या संदेश है और किस तरह से आगे इस चीज को बढ़ाना चाहेंगे, इसके बारे में बोल के? देखिए यही एक रास्ता है, ये तो समय की बात है कि हम थोड़ा सा भटक गए, नहीं तो हमारे प्राचीन काल में सबकी ये एक जनसाधारण की ये विद्या एक संपत्ति थी, सभी इसी आधार पर ही चलते थे, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ ये वैद्य प्रतिष्ठित हुए और इन्होंने ये कहना शुरू किया कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप जैसे रहते हो वैसे ही रहो, हम आपको देख लेंगे, कमर्शियलाइज्ड हो गया, हाँ हम आपको देख लेंगे। अब वो देखने की जब बात आई, देखते 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 ही कोई चीज इतनी विकराल रूप ले लेगी, आज सब अपने को दिखाने लगे, एक जन्म का बच्चा पैदा होता है वो भी उसको दिखा रहा है, एक बूढ़ा जो बिल्कुल शरीर छोड़ने वाला वो भी उसको दिखा रहा है, अब कोई अब सबने अपने को देखना स्वयं को छोड़ दिया, अब वो भी समय आएगा जब लोग अपने को स्वयं को देखने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, अपनी अंतः प्रवृत्ति उनकी जाग जाएगी। बस इसी में मैं थोड़ा सा सपोर्ट अपने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार दे रही हूँ और देती ही रहूंगी, ये तो मैं देती ही रहूंगी, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाती रहूंगी, क्योंकि इसके द्वारा मुझे और मेरे परिवार को बहुत लाभ हुए हैं।
ऐसा नहीं कि इसको जान लिया तो कुछ बीमारी नहीं, मेरे को खुद ही कई बार बीमारी तो खैर नहीं आती है, लेकिन कभी अचानक एक्सीडेंट या कभी गिर गए पड़ गए, उसमें भी ये चीज बहुत अचानक की जो घटनाएं हो जाती हैं या कोई परिस्थिति ही विषम आ गई तो उसमें भी अपनी स्थिति को, क्योंकि ये विद्या केवल शरीर के लिए ही नहीं है, क्योंकि मानव शरीर ही नहीं मन आत्मा और शरीर तीनों की त्रिवेणी है, तीनों की रख रखाव को जानना बहुत जरूरी। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा और काफ़ी अच्छा आपका अनुभव हमने हमें सबको सुनने को मिला है, और आपने इतना सब कुछ बताया, हम लोग इसको जरूर इसको मानेंगे, फॉलो करेंगे और सब जो को तक पहुँचे अभी कनेक्ट भी करेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुभकामना।